मेरा सवाल हवा में तैरने के बारे में है। हवा में तैरना कि मुझे समझ आता है जब ऊर्जा ऊपर उठती है या ऐसा कुछ, लेकिन शरीर कैसे ऊपर उठ सकता है? या लॉ ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ है? देखिए, अभी मैं हवा में तैर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप यही पूछ रहे हैं या क्या यह संभव है? क्या यह संभव है और यह कैसे होता है, और क्या आप ऐसा कर सकते हैं? देखिए, क्या यह संभव है? यह संभव है। यह कैसे होता है? ऐसे कई तरीके हैं, या कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए आप ग्रेविटी के लिए कम से कम उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ अभ्यास हैं, कुछ क्रियाएं हैं जिनसे आप ग्रेविटी के लिए कम उपलब्ध हो सकते हैं। इसके कारण कोई ऊपर उठ सकता है, यह संभव है। या जब आपकी कुंडलिनी जबरदस्त बल के साथ उठती है, तो व्यक्ति भले ही ऊपर न उठे, लेकिन आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का शरीर अपने आप ऊपर उछलता और गिरता है, उछलता और गिरता है। वो वहां टिका नहीं रहता, लेकिन उछलता और गिरता है, उछलता और गिरता है। अगर आप थोड़ी कोशिश करें, वो बिना कोशिश के हो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी कोशिश से जब ऊर्जा ज्यादा होती है तो ऐसा होता है। आपने सुना होगा, आपने मायम्मा के बारे में सुना है? तमिलनाडु की महिला संत मायम्मा, आपने उनके बारे में सुना है? कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आई थी, लेकिन ऐसा लगता था, उनके नाक नक्श से ऐसा लगता था कि वो नेपाली होंगी, लेकिन वो कभी बोलती नहीं थी। वो कन्याकुमारी में थी, दक्षिण भारत के सिरे पर। उनके दोस्त हमेशा कुत्ते होते थे, कुत्तों का पूरा दल उनके पीछे पीछे चलता था। वो इन कुत्तों के साथ इतनी जुड़ी थीं कि वो होटलों से उनके लिए खाना चुराती थीं। आप जानते हैं, इन छोटे होटलों में वो वड़ा और बाकी चीजें रखते हैं, वो बस जाकर उसे झपट लेती और अपने कुत्तों को डाल देती। तो कई बार लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की। लोगों ने पीटते, उन पर पत्थर फेंकते, क्योंकि वो हर किसी से खाना झपट कर उसे कुत्तों को खिला देती थी। वो कभी बोलती नहीं थी। फिर लोगों ने पाया, कई बार जब लोग जाकर उन्हें देखते थे, वो समुद्र की लहरों के ऊपर तैर रही होती थी। वो बस इस तरह बैठती और तैरने लगती, तो उसके कारण लोगों ने उन्हें परेशान करना छोड़ दिया। हाँ, वो अपना खाना बचाकर रखते थे, लेकिन वो किसी तरह से उनके साथ मारपीट नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें समुद्र पर तैरते देखा। कई तरीके हैं जिनसे आप ग्रेविटी के असर के प्रति कम उपलब्ध बन सकते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं धरती पर चलना चाहता हूं। मेरा हवा में तैरने का कोई इरादा नहीं है। हठ योग के मार्ग पर चलने वाले कुछ लोग आमतौर पर ऐसे कारनामे करते हैं। It is of no life significance. इसका जीवन के स्तर पर कोई महत्व नहीं है। अब अगर आप दिन में कुछ मिनट के लिए पानी पर या हवा में तैरते हैं, तो वो कैसे आपके जीवन को बदलता है? यहां हमारी पूरी कोशिश ये है कि आप जीवन से होकर गुजरें, जमीन पर ही रहकर, लेकिन आप जीवन से गुजरें। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, चाहे आप जिस भी तरह के हालातों का सामना करें, आप जीवन से अछूते रहकर निकलें, अभी भी एक बच्चे की तरह, जैसे आप पैदा हुए थे। आपके जीवन में कितनी भी चीजें हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी चीजें गलत हों, हर चीज बिल्कुल गलत हो जाए, हर दिन एक संकट हो, लेकिन फिर भी आप जीवन से अछूते रहकर निकलें, ये एक चमत्कार है। मैं चाहता हूं कि आप सभी ये चमत्कार करें। अगर आप अपनी मौत के समय ऐसे हों जैसे अभी पैदा हुए हों, तो इसका मतलब है कि आपने जीवन से अछूते होकर निकलने का अद्भुत चमत्कार किया है। That's possible. ये संभव है। तो हम उस चमत्कार को करना चाहते हैं। हवा में तैरना,
पानी पर चलना, उसके साथ आप क्या करेंगे? 3 दिन अगर आप पानी पर चलेंगे तो अच्छा लगेगा, जब लोग आप पर ध्यान देंगे। हर दिन अगर आप पानी पर चलना शुरू कर दें तो कोई आपको नहीं देखेगा, वो सब अपनी स्पीड बोट लेकर सर्र से निकल जाएंगे। फिर आप भी सोचेंगे कि काश आपके पास बोट होती, है ना?